हेलो बच्चों, और कैसे बच्चा लोग? सब बढ़िया, मस्त, बिंदास, जक्कास, मैं भी मस्त। आज हम लोग सीखेंगे यार मोल कॉन्सेप्ट में, मोल टर्म का क्या मतलब होता है। और आज के लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसलिए यार आज कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए यार आज का लेक्चर मिस बिल्कुल नहीं करना, और हर एक चीज आपको नोट करते हुए चलना है। बाय द वे, मैं तो आपको बताऊंगा यार कहां आपको नोट करना, कहां आपको नोट नहीं करने की जरूरत है। तो चल यार आज हम लोग जान है मोल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। इससे पहले भी यार आप लोग मोल टर्म्स सुने होंगे, क्लास 9th में आप लोग मोल के बारे में सुने होंगे, पढ़े होंगे। कुछ बच्चे पढ़े होंगे, कुछ बच्चे नहीं पढ़े। कोई बात नहीं यार, यहां आपको फिर से मौका मिला है यार, इस मौका को अपने हाथ से जाने ना देना, ठीक है बच्चों। तो चलो यार हम लोग पढ़ते हैं मोल कांसेप्ट में, मोल का क्या एग्जैक्ट मीनिंग होता है और मोल इतना यूजफुल क्यों है केमिस्ट्री में, क्यों ये आपको लास्ट क्लास तक आपका पीछा छोड़ने वाला, क्लास 12th के लास्ट क्लास तक यार आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए यार बिल्कुल बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ वीडियो आप लोग देखना, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, मोल का मतलब क्या होता है। ओके बच्चों, तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर नाउ। तो अब आप लोग यार हेडिंग डाल लो मोल, ठीक है। चलो यार जल्दी से हेडिंग डालो यार आप लोग, मोल। मोल का क्या मतलब होता है यार, अब हम लोग ये चीज को समझ लेते हैं। मोल को समझने से पहले मैं एक दो एग्जांपल लेना चाहूंगा मोल को समझाने के लिए। जैसे मान लो यार आप लोग यार किसी शॉपकीपर के पास गए, ठीक है ना, एक फल के दुकान पे गए और आप बोलते हो कि अंकल जी हमें एक डजन बनाना चाहिए, केले चाहिए एक डजन। जैसे बोलोगे एक डजन बनाना चाहिए, दुकानदार क्या करेगा, शॉपकीपर क्या करेगा, 12 बनाना, 12 केले निकालेगा, पैक करेगा, आपको दे देगा, यही करेगा ना। 2 डजन केले चाहिए, क्या करेगा, 12 केले, 24 केले निकालेगा, 24 बनाना निकालेगा, पैक करेगा, दे देगा। 3 डजन चाहिए होगा तो 36 बनाना पैक करेगा, डालेगा, यही करेगा ना। मान लिया हमको अंडे चाहिए, एक डजन अंडे दे दे भाई, क्या करेगा, 12 अंडे निकालेगा, दे देगा। 2 डजन अंडे चाहिए, 24 अंडे निकालेगा, पैक करेगा, दे देगा, यही करेगा ना। इसी तरह से मान ले यार मैं 1 week की बात करता हूँ, 1 week बोलते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, 7 days आएगा। 2 week की बात करूं मैं तो आपके दिमाग में क्या आएगा, 14 days आएगा। 3 week की बात करूं तो आपके दिमाग में क्या आएगा, 21। 4 week की बात करूं तो 28 days, यही जाएगा ना। 1 year बोलते ही आपके दिमाग में क्या जाता, 365 days आता है। मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं 1 dozen बोलते ही आपके दिमाग में क्या जा रहा, 12 जा रहा, क्या जा रहा, 12 जा रहा। इसका मतलब हम लोग 12 को 1 dozen से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब या फिर ऐसा मैं बोल सकता हूं कि डजन जो है ना वो 12 पीस के लिए, 12 नंबर के लिए लोग डजन टर्म यूज करते हैं, समझ में आ रहा। वीक हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, वीक, 1 week का मतलब क्या है, 7 days। मतलब 7 नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां हम यूज कर रहे हैं वीक यूज कर रहे हैं। 1 year यदि मैं बोल रहा हूं तो 365 days, मतलब 365 1 year को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो उसी तरह से मोल टर्म जो है ना वो इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। देख लिया यार बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, 1 mole किस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, 6.022 × 10^23। यार याद कर लिए नंबर, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये नंबर आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो यार इस नंबर को बिल्कुल दिमाग में सेट कर ले, अब भी बिल्कुल सेट कर ले, क्योंकि बार बार इस चैप्टर में आपको यार परेशान करने वाला है ये नंबर। तो इस नंबर का एक स्पेशल नाम है और इस नंबर को हम लोग अवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर, और इसे डिनोट किया जाता है एन सफिक्स से, ठीक। तो यदि आप थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं 1 mole का मतलब क्या होता है, जैसे मान ले यार मैं उसी दुकानदार के पास गया और बोला कि मुझे 1 mole बनाना चाहिए, क्या करेगा शॉपकीपर, शॉपकीपर क्या करेगा, केमिस्ट्री थोड़ी ना उसको आता है। आप क्या बोल रहे हैं, हमको नहीं समझ में आता, मेरे पल्ले नहीं पड़ा, जा जा जा। लेकिन भाई शॉपकीपर के जगह मान ले यार मैं बैठा हूँ, मैं तो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री जानता हूँ, आया यार तुम लोग आए बोले 1 mole बनाना चाहिए, मैं क्या बोलूँगा, मेरे से ना होगा यार, यहाँ पे ना, जा जा जा। तो यार 1 mole का मतलब समझ रहे हो, 6.022 × 10^23, इतना लार्ज नंबर, सो लार्ज, कहाँ से यार उतना बड़ा मतलब बनाना आएगा, जब सोच सकते हो। तो इसलिए जब भी 1 mole बोला जाए तो आपके दिमाग में ये नंबर स्ट्राइक करना चाहिए, तुरंत घंटी बजना चाहिए यार, 6.022 × 10^23 का बात किया जा रहा है 1 mole मतलब। इसी तरह से मान लिया मैं कहता हूँ इस वर्ल्ड का पॉपुलेशन 1 mole है, यदि मैं इस वर्ल्ड का पॉपुलेशन 1 mole बता रहा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस वर्ल्ड में इस वर्ल्ड का पॉपुलेशन 6.022 × 10^23 है।
क्लियर है चीज। अब देखो यार कितना लार्ज नंबर है समझ सकते हो, 10 का पावर 5 1 लाख हो जाता है, 10 का पावर 7 1 करोड़ हो जाता है, 10 का पावर 9 1 अरब हो जाता है। पर ये कहां यार 23 है, कितना लार्ज है समझ रहे हो। अब बात आती यार मतलब केमिस्ट्री में हम लोग मोल पढ़ते हैं, फिजिक्स मैथ्स में तो जरूरत ही नहीं पड़ती, कहीं और जरूरत ही नहीं पड़ती है, केमिस्ट्री में यार क्यों जरूरत पड़ती है 1 मोल या मोल टर्म का। तो यार देखो समझो इस चीज को, केमिस्ट्री में हम लोग डील किसके साथ करते हैं, किसके साथ डील करते हैं, एटम के साथ डील करते हैं, मॉलिक्यूल के साथ डील करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ डील करते हैं। और यार तुम्हें पता है एटम कितना स्मॉल होता है, मॉलिक्यूल कितना स्मॉल होता है, क्या नेकेड आई से आप देख सकते हो एटम मॉलिक्यूल्स को, क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को नेकेड आई से देख सकते हो। और हमको यार केमिस्ट्री में बस वही एटम्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही पढ़ना पड़ता है, समझ रहे हो। तो इसलिए यार मतलब इतना स्मॉल मतलब चीजों को हम लोग डील करते हैं तो इसके नंबर भी यार बहुत ज्यादा होंगे। जैसे मैं मान लिया चौक की बात करता हूँ, ठीक है ना, चौक कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया यार, चलो ठीक है, हाँ ये चौक की बात करता हूँ मैं। तो इस चौक में क्या होगा यार, इसका कुछ मास होगा 2 ग्राम 5 ग्राम जो भी हो, इसमें चौक क्या से बना होता पता है आप लोग को, पता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब क्या इसमें एक कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, 2 कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल होगा, 3, 4, 5 होगा, ना ना, बहुत बहुत ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट के इसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे इस कैल्शियम, मान लिया इसका 5 ग्राम दिया हुआ मास, 5 ग्राम चौक है, तो इसमें कितने कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यार टेंशन ना लो यार, ये सब चीज आप लोगों में यार कैलकुलेशन सिखा देंगे कि यार इसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इस छोटे से सैंपल में कितने कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स हैं। आप लोग गिनती बता सकते हो इसका, यदि मान लिया हमारे पास 1 kg वाटर है, उस 1 kg वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब भी यार आप लोग निकाल सकते हो, आगे पढ़ा देंगे उसके बाद आप लोग ये सब निकालोगे। मान लिया हमारे पास 1 kg वाटर है, उसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन के कितने आइटम्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के कितने आइटम्स प्रेजेंट है, ये सब आप लोग निकालोगे यार इस चैप्टर के पढ़ने के बाद। तो यार बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, पहले मैं बता दे रहा हूँ, बस यार थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ हर एक चीज को आप लोग समझने की कोशिश करना, रटने की जरूरत नहीं है यार। 1 मोल बोला गया मतलब 6.0, क्या इसका सिग्निफिकेंस है यार, उस चीज को आप लोग को समझना है। 1 मोल जब बोला जाए तो आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा, इस चीज को आप लोग समझ ले। मान लिया मैं बात कर रहा हूँ अपने बॉडी की और मैं बोला कि मेरे बॉडी में 1 मोल कार्बन आइटम प्रेजेंट है, यदि मैं ऐसा बोला कि मेरे बॉडी में 1 मोल कार्बन आइटम प्रेजेंट है, इसका मतलब आप क्या समझोगे, इसका मतलब आप ये समझोगे कि मेरे बॉडी में 6.022 × 10^23 एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है, आया समझ में। तो इस तरह से जब भी 1 मोल कह दिया जाए तो आपके दिमाग में ये नंबर स्ट्राइक है। मान लिया इस वर्ल्ड में 1 मोल ट्रीज प्रेजेंट है, मतलब 1 मोल ट्रीज है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 मोल ट्रीज है, इसका मतलब क्या, पूरे वर्ल्ड में 6.022 × 10^23 ट्रीज है। समझ में आया। तो यार इस तरह से उम्मीद है यार आप लोग यार जो मोल टर्म है ना, मोल टर्म का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, ये चीज यार आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। चल बहुत अच्छी बात है यार, समझ में आ गई है। तो अब हम लोग कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब क्या, एटम किससे किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इसे ही हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। तो आप लोगों को यार पता होगा, कुछ बच्चों को हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं पता है, कोई बात नहीं भाई, आप लोग यार इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं कुछ पार्टिकल्स लिख रहा हूँ, फिर इसका मास और फिर इस पर चार्ज, ये चीज आपको यार याद होनी चाहिए, ठीक है ना। फंडामेंटल पार्टिकल्स मैं यहाँ एफ लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों, ठीक है। सबसे पहला यार इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या से डिनोट करेंगे यार बच्चों बताओ, ई से। मास पता है इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, पता है नहीं पता है, नहीं पता है यार देख, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 9.1 × 10^-31 kg, यार यही यूनिट याद रखना, -31 kg है, क्लियर। और इसको यदि मैं ग्राम में लिखूँ तो 9.1 × 10^ kg को ग्राम में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10^-28 g, क्लियर। अब बात आती है चार्ज, चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे, पता है तुम लोगों को, नहीं पता है लिख देता हूँ यार यहाँ पे 1.6 × 10^-19 coulomb, देखिए चार्ज का यूनिट कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1, प्रोटॉन पे चार्ज +1, ऐसा भी हम लोग कहीं कहीं बोलते हैं, तो वो जो +1 और -1 बोलते हैं ना वो रिलेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। अभी हम यार वो तुम लोग यार फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है ना। अब रिलेटिव चार्ज आप लोग बस इतना समझो, इलेक्ट्रॉन पे एग्जैक्ट चार्ज की मैं बात करूँ तो इतना, और रिलेटिव चार्ज की बात करूँ तो -1, प्रोटॉन पे चार्ज +1, ठीक। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन के बारे में। दूसरा प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास क्या होता है आप लोगों को पता है,
नहीं पता है, लिख दे रहा हूँ यार, यहाँ याद रखना, 1.67 × 10⁻²⁷ kg। देख यार ये -27 kg में है, यहाँ पे यार बच्चा लोग यार कंफ्यूज हो जाता केजी और ग्राम में, कहाँ मतलब -27 के साथ केजी लगता है या ग्राम लगता है, इसलिए यार मैं पहले ही आप लोग यार बता दे रहा हूँ कि आप लोग यार कंफ्यूज ना होगे, ठीक। -27 है तो केजी में, और यदि मैं इसको ग्राम में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा यार बताओ तुम लोग, -24, 10³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। चार्ज क्या होगा प्रोटॉन पे, यार याद रखना जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है वही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, बस यहाँ पे माइनस लेते हैं यहाँ पे प्लस लेते हैं, दैट्स इट, और कोई चेंजेस नहीं आता। 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, क्लियर है अच्छे, चल यार बहुत अच्छी बात है। थर्ड है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे मास किसी को पता है क्या होता है न्यूट्रॉन पे मास, तो याद रखना यार न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के ऑलमोस्ट इक्वल, एग्जैक्टली तो नहीं बोलेंगे लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल होता है, तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो भी 1.67 × 10⁻²⁷ केजी होता है, और ग्राम में बात करूं तो 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम होता है, और मैं चार्ज की बात करूं तो यार जीरो, न्यूट्रॉन क्या होता है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज होता है, क्लियर। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स थे जिसका मास और चार्ज के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चल यार ये चीज हो गया, अब हम लोग मोल से रिलेटेड एक दो छोटा छोटा प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं, जिससे कि आपका मोल कॉन्सेप्ट जो है ना, पूरा मोल कॉन्सेप्ट नहीं, मोल टर्म्स जो है ना उसका मतलब आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। तो चल यार आप लोग अब इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो नोट करते चलना, जो भी इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट, और मोल मोल को अगर मैं डिफाइन करूँ तो मोल को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं डेफिनेशन मोल को। देखो यार मोल को मैं डिफाइन किस तरह से कर सकता हूँ, कलेक्शन ऑफ 6.022 × 10³³ एंटिटीज, ठीक है ना, शॉर्ट में यार देखो बिल्कुल शॉर्ट में आपको डेफिनेशन लिखा दिया, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। कलेक्शन ऑफ 6.022 × 10³³ एंटिटीज, यहाँ पे देखिए एंटिटीज आया, एंटिटीज का मतलब कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल्स में एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयन्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, प्रोटॉन्स हो सकता है, न्यूट्रॉन्स हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो एंटिटीज लेकर कंफ्यूज मत होना यार, एंटिटीज है क्या आखिरकार, ठीक है बच्चों। तो चल यार इस तरह से मोल टर्म को हमने समझ लिया, ठीक। अब एक्सेप्ट यदि मैं देखूं कि मोल टर्म को साइंटिफिकली किस तरह से डिफाइन किया जाता है, ठीक, तो उस पर यार आऊंगा मैं बाद में आऊंगा, ठीक। उसके लिए पहले हमें रिलेटिव एटॉमिक मास को समझना पड़ेगा, ठीक। तो हम लोग आएंगे, बाकी आप लोग मोल समझने के लिए आप लोग फिलहाल ऐसे समझ सकते हो, क्लियर है। चलिए बच्चा लोग तो इस तरह से मैं आप लोग यहां आप लोग नोट कर लो, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए यार बच्चा लोग अब हम एक क्वेश्चन यहां पे लिखेंगे, आपको क्या करना वीडियो को पॉज करना एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। तो पहला सवाल आप लोगों के लिए ये है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल। देखिए यार इलेक्ट्रॉन्स को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन से ये, ठीक। आपको कैलकुलेट क्या करना, कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, और मैंने पहले ही बता दिया 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या मैंने लिखा था, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक। अब आपको खुद से वीडियो को पॉज करके आपको बताना है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, ठीक। तो चलिए मैं यहां स्टार्ट होता हूं, आप वहां वीडियो पॉज करके आप वहां स्टार्ट हो जाओ। चलो यार देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, हमें ये तो पता है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, यार देखिए हर बच्चा को यार ये पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है। पहला दिन बता दे रहे यार, ये केवल केमिस्ट्री में नहीं यार फिजिक्स में भी आपका काम आने वाला, इसलिए ये एकदम दिमाग में एकदम सेट कर लो, ठीक है ना। अगले बार यदि तुम लोग से पूछे ना तो बिल्कुल तुरंत आंसर आना चाहिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना हो गया, सवाल क्या है जरा समझो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा। तो पहले तो यार ये मुझे बताओ 1 मोल का मतलब क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन पे हमें चार्ज पता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछा गया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 1 मोल का मतलब जैसे ही 1 मोल बोला गया इसका मतलब आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा, 6.022 × 10⁻²³।
इसका मतलब आपको कितने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछा गया, 6.022 × 10⁻²⁷ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यार सिंपल हो गया यार, बहुत ही सिंपल हो गया। देख वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता है, वन मोल इलेक्ट्रॉन पे बोला गया है, वन मोल कहे तो कितना 6.022 × 10⁻²³ इलेक्ट्रॉन्स पे पूछा गया चार्ज। तो यार यूनिटरी मेथड तो तुम लोग यार पढ़े होगे बचपन में। मान ले यार कोई भी चीज ए में बी है तो सी में कितना है कैसे निकालते हैं, देख यार यूनिटरी मेथड ए में बी है तो सी में कितना होगा, तो हमेशा याद रखना बी ऊपर आता ए नीचे आता इन टू में सी जाता है, बी ऊपर आता ए नीचे जाता सी में, क्लियर। तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज इतना, इतना इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज तुम क्या बताए, ये वाला ऊपर आएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम डिवाइडेड बाय में क्या आएगा यहाँ पे जो है, तो कितना इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन, वन यहाँ नीचे और ये कहाँ चला जाएगा इनटू में 6.022 × 10⁻²³ यही। अच्छा यूनिट क्या होगा, ये क्या है चार्ज है ना, यूनिट सी, सी कहे तो कूलम्ब, ठीक। अब चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है, ठीक है ना, तुम लोग 10th में पढ़े होगा इलेक्ट्रिसिटी में। हाँ अब बात यह है इसको सॉल्व करना, तो इसको यार मैं डायरेक्ट यार मुझे आंसर याद है, ठीक है ना, आप लोग यार सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। और यार एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है बट जान ले यार, सॉल्व जो आप लोग करोगे ना, कैलकुलेशन जो करोगे ना, मोबाइल और कैलकुलेटर में नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला, इसीलिए यार आप लोग आदत डाल लो मैनुअली सॉल्व करने का। ये सब ऐसा नहीं है, जहां भी कैलकुलेशन आएगा बगल में कैलकुलेटर है या फोन है, तुरंत फोन निकाले यार आंसर लिख दिए, ये काम बिल्कुल नहीं करना यार तुम लोग को यार। यदि ये काम तुम आज कर रहे हो ना तो फिर पछतावा होगा फाइनल एग्जाम में, एग्जाम में भी यार तुम खोजोगे यार कैलकुलेटर कहाँ है, और कैलकुलेटर नहीं है तो यार छोड़ दोगे। तो यार अलाली इस तरह का नहीं करना है, थोड़ा मेहनत करना है, थोड़ा हार्डवर्क भी करना है, इसीलिए यार ये सब का आदत तभी से डाल लो फर्स्ट क्लास से, मैं बता दे रहा हूँ। आज का क्लास से ही हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया, और जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट है उसमें न्यूमेरिकल्स रहेंगे, लेकिन आपको न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, ठीक है ना। जो बच्चा अगर मैथ से डर भी लगता ना, डरने की जरूरत नहीं है, मैथ्स केमिस्ट्री में भाई बस जोड़ घटाओ गुना भाग आपको आना चाहिए, और उम्मीद है यार इतना तो सब बच्चा को आता ही होगा, टेंथ पास करके आए होते यार आता ही होगा ना इतना, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। छोटा मोटा कैलकुलेशन रहेगा उसको हाथ से करें, बस यार एक चीज मैं बोल रहा हूँ, हाथ से आप लोग को कैलकुलेशन करने का डरना है, कभी भी कैलकुलेटर मोबाइल फोन यूज नहीं करना है। चल मुझे तो यार याद है तो मैं लिख देता हूँ, ये ऑलमोस्ट आता है 96500, ठीक है। तो इस तरह से वन मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या हो जाता है 96500, ठीक, ये 487 के आसपास आता है, ठीक है ना, तुम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेना अप्रॉक्स में ये वैल्यू आता है, ठीक। तो इस तरह से यार पहला सवाल हो गया, उम्मीद है यार आप लोग बना डाले होगे इस सवाल को, नहीं बना डाले कोई बात नहीं यार, एक और मौका मैं दे रहा हूँ, मैं सवाल लिख रहा हूँ, आप लोगों को फिर से वीडियो पॉज करके सॉल्व। तो देख यार नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये है, और ये क्वेश्चन यार ITJEE 2002 में आया हुआ है, ठीक। अब ITJEE का नाम सुनते यार आपको डरना नहीं है कि यार ITJEE में आया यार तो वो सवाल हमसे नहीं बनेगा, ऐसा यार बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन इजी रहता है, बस उसके कॉन्सेप्ट को समझना है आप लोग को, ठीक। तो यार चलो यार आप लोग वीडियो पॉज करके स्टार्ट हो जाओ, क्वेश्चन यही है आपके सामने, चार ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, अब आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर टिक करना है। चलो यार मैं इधर स्टार्ट हो जाता हूँ, सवाल क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव 1 kg, मतलब कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जिससे कि इलेक्ट्रॉन का मास 1 kg हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, कितना दिया है 1 kg। चलिए यार सॉल्व करते हैं, देखो यार कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बताओ, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, अभी मैंने लिखा था ना 9.1 × 10⁻³⁹ kg, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, और हमें जानना है कि 1 kg में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, समझे, 1 kg में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो मैं कैसे बताऊंगा यार 1 kg में कितना इलेक्ट्रॉन, पहले यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता चलने दे, ठीक। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चलेगा ना तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता देंगे, क्योंकि हमें पता है एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 6.022 × 10⁻²³ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो पहले यार आप पता करो कि 1 kg में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, कैसे पता करेंगे यार, तो बस यूनिटरी मेथड, इसमें यार कुछ नया नया इस क्वेश्चन में यूनिटरी मेथड है, नहीं समझ नहीं बनाता तो यार कोई बात नहीं, आप लोग फिर से यहाँ पे वीडियो पॉज करके एक बार फिर से ट्राई करो यहाँ के बाद, ठीक है बच्चों। चलिए यार मैं इधर ट्राई करता, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 9.1 × 10⁻³⁹ kg दिस इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर हो रहा है, क्लियर है अच्छे, ई माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो 1 kg यदि आ जाए तो 1 kg में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो इतना kg एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, 1 kg कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर, देखिए 1 kg
समझ रहे हो ना, 1 kg मतलब बहुत हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम लेगा, कुछ कुछ उल्टा सीधा भी मत निकाल देना, उल्टा सीधा कहे तो 10^-20 इलेक्ट्रॉन, -30 इलेक्ट्रॉन, माइनस में नहीं आएगा, ठीक है ना, वैल्यू बहुत लार्ज आएगा। चलो देखते हैं, 1 by यूनिटरी मेथड है ना, तो 1 by में ये नंबर डाल दो नीचे, 9.1 × 10^-31 और इंटू फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से ये क्या हो गया, 1 by 9.1, अच्छा ये 10^31 ऊपर चला जाएगा, समझ में आया, -31 है ना, ऊपर भेजेंगे तो +31 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। कुछ कुछ चलेगा -31 भी निकाला हो सकता है, तेरे -31 जरा सोचना, 1 kg इलेक्ट्रॉन है और उसमें -31 में इलेक्ट्रॉन -31 थोड़ा ना डिविजिबल होता है, ठीक है, तो इसलिए 1 kg में इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सवाल क्या था, जो 1 kg में जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है वो कितने मोल्स के बराबर है। अब यार फिर से आगे, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमें मिल गया, इसको अब मोल्स में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे कन्वर्ट, फिर से यार वीडियो पॉज करके यार खुद से कोशिश करो, यदि नहीं बना तो आपसे, ठीक, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखो यार मैं बोल सकता हूँ 6.022 × 10^23 इलेक्ट्रॉन्स 1 mole के बराबर होगा, इतना इलेक्ट्रॉन 1 mole के बराबर, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन है कितना, 10^31 / 9.1, चलिए यार लिखते हैं इसको, 10^31 / 9.1, इतना इलेक्ट्रॉन्स कितने के बराबर होगा, तो क्या करना है यहाँ पे, बस यूनिटरी मेथड, देख रहे हो, बस दो ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एक तो यूनिटरी मेथड और दूसरा 1 mole मतलब 6.022 × 10^23, बस यही दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है और कुछ भी नया नहीं है। हाँ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मास यार ये सब याद होना चाहिए, ठीक है ना, पहले ही मैंने लिख दिया था ये सब, 1 यूनिटरी मेथड ये नीचे आएगा 6, अच्छा एक ऑप्शन से देखोगे ना तो 6.022 नहीं लिया है, 6.023 लिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 6.022 जो लेना है ले लो इतना, और ये वाला वैल्यू कहाँ चला जाएगा, इनटू में आ जाएगा, 10^ देखिए 1 ऊपर आएगा, ये वाला टर्म नीचे आएगा और ये वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 31 और बाय में यहाँ पे 9.1, ठीक है, दिख रहा है यार तुम लोगों को, एक काम करिए मैं पे थोड़ा लिख देता हूँ इधर करके, 6.022, अरे यार रुक यार, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6.022 × 10^23 आई इधर में, ये इंटू में जाएगा 10^31 बाय में 9.1, यहाँ पे भी देखो यार 9.108 मतलब ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, ठीक, तो यार देख लो यही इतना ही मतलब कि मोल्स के बराबर आ जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन 1 mole के बराबर होगा, तो हमारे पास 1 kg में इतना इलेक्ट्रॉन था, तो इस 1 kg में इतना इलेक्ट्रॉन, ये कितने मोल के बराबर, तो ये कितने मोल के बराबर आ गया, इतने मोल के बराबर, क्लियर है। चलिए यार एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो फिर से ध्यान दे ले यार, इधर हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 kg, मतलब कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 1 kg में, यही पूछा गया। तो पहले तो यार हम ये जान लेते हैं कि 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि हमें पता चल गया तो हम उसे मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, मोल और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में रिलेशन पता है, 1 mole इलेक्ट्रॉन का मतलब 6.022 × 10^23 इलेक्ट्रॉन, या मैं ऐसा कह सकता हूँ 6.022 × 10^23 इलेक्ट्रॉन्स को मैं 1 mole कह सकता हूँ, 1 mole इलेक्ट्रॉन कह सकता हूँ, तो आप बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कर लो, उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे बाय यूनिटरी मेथड। तो यार देख इधर, सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता था, मतलब इतना kg का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, यदि इतना kg का मास 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 kg का मास कितना, इतना, अब 1 kg का मास इतना तो हमें पास, सॉरी 1 kg का मास नहीं, 1 kg इलेक्ट्रॉन में इतना इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चल चुका, अब इतना इलेक्ट्रॉन 1 mole के बराबर, तो इतना इलेक्ट्रॉन कितना मोल के बराबर, यूनिटरी मेथड से कर लेंगे हम, तो इस तरह से आंसर किया गया, कौन सा आंसर ये टिक करो, ये काट दो यार, ये 23 से ये कट जाएगा 8 सा, तो 10^8 ऊपर और नीचे में 9.1 और 6.022, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है ये चीज बच्चों, क्लियर है। चलिए एक लास्ट सवाल दे रहे हैं, वो आप लोगों को करना है, उसके बाद यार मोल टर्म्स उम्मीद है यार आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, ठीक। तो यार नेक्स्ट सवाल यार ये है, आप लोग यार खुद से कोशिश करो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक, ये भी बिल्कुल यार सिमिलर है लास्ट क्वेश्चन के जैसा, तो उम्मीद है यार आप लोग बना ही डालोगे इसको, मैं इधर बनाता हूँ इसको। चलो यार सवाल समझना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स विल बी देयर इन 200 ग्राम ऑफ इट, मतलब आपको अब मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स बताना है और प्रोटॉन का मास कितना दिया, 200 ग्राम दिया हुआ है, तो पहले मोल्स बताना है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 200 ग्राम में कितने प्रोटॉन्स हैं, तो पहले यार आप निकालो कि 200 ग्राम में कितने प्रोटॉन्स हैं,
जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल जाएगा उसके मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे? बाय यूनिटरी मेथड। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलिए ट्राई कर खुद से। चलो यार मैं इधर देखता हूँ। सबसे पहले यार वन प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम, ये होता है ना यूनिट। देखना यार केजी में भी मैंने लिखा था लेकिन मैं यहाँ ग्राम में ले रहा हूँ। क्यों ग्राम में ले रहा हूँ? क्योंकि 200 ग्राम का बात कर रहा है, ठीक है ना। यूनिट सेम रखना यार, यूनिट ध्यान रखना तुम लोग। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम वन प्रोटोन के बराबर होगा। इतना मास है वन प्रोटोन का मास के बराबर होगा। हमें कितना मास दिया प्रोटोन का बता? कितना दिया है? 200 ग्राम दिया। 200 ग्राम में कितने प्रोटोन्स हो जाएंगे यार? यूनिटरी मेथड से नहीं बता देंगे, बताया तुम लोग 1/1.67 × 10⁻²⁴ बोलते चले यार तुम लोग × 200। क्लियर है? चलिए यार आगे बता क्या हो जाएगा। देख यार अब कैलकुलेशन है, ठीक। एक चीज यार तुम लोग थोड़ा ध्यान में रखना, 1.67 है एक तो यार सही है ना यार, 1/ में इतना इंटू में इतना। क्लियर? चल अब यहाँ पे देख यार 1.67 है ना, हाँ इस बार काट छाट कर ले या फिर याद रखना 0.67 कितना वैल्यू होता है 1/3 को यदि मैं डिवाइड करूँगा 0.67 आता है। इसी तरह से 1.67 है तो इसको 5/3 लिखूँगा। 2.67 देख यार ये सब कैलकुलेशन आगे चलकर यूज़ होगा, मैं बस आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ये सब आपको यार बाय द वे इसको सॉल्व करना है आपको मैनुअली, डिवाइड करो यार जैसे करना वैसे करो, ठीक है। मैं बस याद बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको थोड़ा जो मेहनत है ना कम हो जाएगा। देखो 2.67 कितना हो जाएगा 8/3, ये सब को डिवाइड करो ना, देखो ये वैल्यू आ जाएगा 0.10 3, यहाँ पे 0.10 गलती बोल दिया ना, यहाँ पे 1/3 नहीं होगा, ये कितना होगा 2/3 के बराबर होगा, ठीक है। 0.672 इसको डिवाइड करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगा। 5/3 को भी डिवाइड करो 1.67, इसको भी डिवाइड करो तो 2.67। इस तरह से मतलब जब भी 0.67 1.67 2.67 दिखा तो इसको आप लोग 2/3 5/3 8/3 लिख सकते हो। ये सब यार देखो यूज आता है, इसलिए यार मैं बता दे रहा हूँ जस्ट शॉर्टकट के लिए, ताकि आपका प्रॉब्लम आसान हो जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक। इसी तरह से यार आप लोग को ये सब भी मिलेगा कहीं कहीं, 0.33 है तो यार इसको 1/3 लिख सकते हैं, पढ़े हो ना ये सब तुम लोग। इसी तरह से यदि 1.33 है तो क्या लिखते बच्चों 4/3, देखो यार इसको डिवाइड करो ये वैल्यू आ जाएगा। 2.33 है तो 7/3, ये सब देख लें यार कैलकुलेट करने पर यह सब वैल्यू आता है, ठीक है ना। तो ये सब यदि आगे आता है तो इसको याद रखना थोड़ा तुरंत, मतलब ये डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख दो, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 1.67 को क्या लिख सकता हूँ 5/3, 5/3 लिखूंगा तो ये 3 ऊपर पहुँच जाएगा, नीचे −24 है और ऊपर 200 है, ठीक। चलो इसको काट दूँ, मैं काट देता हूँ यार, कट रहा है ना, 5 × 4 = 40, 4 × 3 = 120 और 10⁻²⁴, ठीक। ये इतना प्रोटॉन्स आया अभी, मतलब क्या आया कि 200 ग्राम में कितने प्रोटॉन्स होंगे ये हमें पता चल गया। यदि हमें ये पता चल गया कि 200 ग्राम में कितने प्रोटॉन्स हैं, अच्छा इसको यार और रुको सिंपलीफाई कर देते हैं, 120 × 10⁻²⁴ लिख दे इसको, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यदि पता चल गया तो यार बता कि नंबर ऑफ मोल्स नहीं बता सकते हैं। देखो यार नंबर ऑफ मोल्स कैसे बताएंगे, बहुत आसान हो चुका है, हमें पता है, क्या पता है, 6.022 × 10⁻²³ प्रोटॉन्स इक्वल टू कितना मोल लिखूंगा मैं बता यार, 1 मोल लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। 6.022 × 10⁻³ प्रोटॉन्स इक्वल टू 1 मोल, हमारे पास कितना प्रोटॉन है 120 × 10⁻²⁴ प्रोटॉन्स है, तो इतना प्रोटॉन्स कितना मोल के बराबर हो जाएगा। यूनिटरी मेथड लगा दो यार, 1/ में कितना आ जाएगा 6.022 × 10⁻²³ इंटू में, ये वाला ऊपर चला जाएगा इंटू में 120 × 10⁻²⁴। देखिए 23 या 24 कटेगा, 1 बचेगा, मतलब 23 × 24 केवल 10⁻¹ बचा रहेगा। और आगे अच्छा ये 6.022 है ना, देखिए 6.022 को हम लोग 6 भी लिख सकते हैं अप्रॉक्स में, कैलकुलेशन के लिए यार 6.022 को 6 ले सकते हो तुम लोग, ठीक है ना। 6.022 को या 6.023 जो भी हो आप क्या ले सकते हो, 6 ले सकते हो। यहाँ पे यदि 6 लेता हूँ तो देखो 20 से कट गया और यहाँ पे एक 10 बच रहा था तो कितना आ गया 200 मोल्स, मतलब समझे। मतलब ये 200 ग्राम हम प्रोटॉन लेते हैं तो 200 ग्राम प्रोटॉन में कितने मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो क्या बोल सकते हैं 200 मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है, समझ में आया?
आया ना बच्चों समझ में? तो चलिए यही था आज का मतलब मोल टर्म्स का मतलब, और मोल का क्या मतलब होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है केमिस्ट्री में, ये सब चीज़ यार उम्मीद है आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम मैंने जो दिया आप लोग एक बार फिर से खुद भी सॉल्व कर लेना एक बार। ठीक, और अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो अभी हम लोग यार वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए यार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।